अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी स्मार्टी ज़ेब। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बारे में। तो मैं तो अपना पूरा का पूरा चिट्टा बना के ले आया हूँ पाकिस्तान के लिए। और हमारे से जो बात करने आ रहे हैं, जो कि आमिर जुनेद बंगाली, जो कि बांग्लादेश से अभी खसूसी उनको इन्वाइट किया गया है। आमिर जुनेद बंगाली को मैं दावत देता हूं, आइए हमारे से बात कीजिए। आमिर जुनेद बंगाली आइए। आमिर जुनेद बंगाली, हो माशाल्लाह। आमिर जुनेद बंगाली, आप कुछ कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कि आप जानते हैं, आप पाकिस्तान वाले को ज्यादा ही बोल रहे हैं आजकल। अच्छा, ये बताएं, आप किताब विताब लेकर आए हैं? अल्लाह खैर करे, हर चीज लिख के लाया हूँ भाई। अच्छा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा, आज किसी को बोलने ही नहीं दूंगा। क्यों? चिल्ले काट रहा था। अच्छा, एक बात बता दूं, बोलने तो हमने नहीं दिया मेरे भाई। पहली गेंद पे, मतलब के नसीम शाह की ओवर की, जो गिल्ला खड़खड़ाया है ना मेरे भाई, उससे आपको अभी भी अकल नहीं आई यार? वो तो खाना नहीं खा कर चिल्ला काटा था ना हमने। अच्छा, खाना खा के चिल्ला काट रहे हैं। अच्छा अच्छा क्या होता? अच्छा अच्छा जी, इन्होंने चिल्ला काटा, सही है। हमारे फिर शाहीन शाह अफरीदी भाई आए, उन्होंने एक और गिल्ला उड़ाया। फिर हमारे आरिफ रऊफ भाई आए, फिर दो गिल्ले उड़ाए। वो जब कहाँ गए थे तुम्हारे? हम बाथरूम में थे। बहुत तेज हो रहा है। नहाने गए थे बाथरूम में थे, नहाने गए थे। अच्छा ये बताएं, आपका जो आपने जो जायचे में निकाला था, जो कि बांग्लादेश कितने स्कोर बनाएगा, सच बताइएगा, आपने जायचे में क्या निकाला था? हमने निकाला था 197-99 तो कर ही लेगा। जायचे में आपका निकल गया था, क्योंकि आपने जब निकाला होगा जब आपके चार आउट हो गए थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके 22 घंटे कहाँ काम आए? सच सच बताइएगा, आप ये फेक काम कर रहे हैं या फिर सच काम कर रहे हैं? आप वैसे लगते तो नहीं है आमिर जुनेद बंगाली, मगर हमने आपको बांग्लादेश से बुलाया है क्योंकि खुसूसी इस प्रोग्राम के लिए। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है ये। अब आप देखें, हमारी 5 विकेटें आउट हो गई थी, उसके बाद हमारे जो 2 बैट्समैन खड़े हुए थे 4 आउट हो गई थी, उसके बाद हमारे जो 2 बैट्समैन खड़े थे उनकी 50-50 मारी उन्होंने। अच्छा। जब कहाँ गए आपके शाहीन, हारिस, नसीम, जब कहाँ गए? अच्छा, ये आपके जायचे में लिखा हुआ था कि आपके ये 2 बैट्समैन बहुत तुरुप के इक्के हैं? यही तो, हमने भाई उनको खाना खिला के भेजा था, बाकी जो थे वो खाली जूस जूस पी के गए थे। अच्छा, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में, पी के गए थे वो। अच्छा, एक और बात पूछना चाहता हूँ मैं, आपके जो ये 2 बैट्समैन थे उन्होंने ही अच्छा खेला, मगर हमारे हारिस रऊफ भाई ने आपके जो 22 घंटे गड़े हुए थे, जो कि आपने कराए हुए थे, उनको बहुत बुरी तरीके से, आपके जो 2 बंदे जो 50-50 करके खड़े हुए थे, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि हमने है ना 22 घंटे कराए हुए थे, उनकी तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं हारिस रऊफ बाबा ने। आपको पता है, ऐसे लटकाया है ना उनको, और चाचा चाचा मेन रीढ़ की हड्डी साबित हुए हैं चाचा। चाचा ने तो चाचा बना दिया तुम लोगों का। कंट्रोल देखो, चाचे की अब हो गई उम्र, कभी कभार तुक्का लग जाता है, चाचा 1-2 विकेट ले लेते हैं या तो चाचा कभी कभार चल गए तो चल गए, वरना तो चाचा ढेर है। अच्छा, चाचा भी बच्चे हैं अभी। अच्छा, अरे हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। पाकिस्तान के जो बाबर आजम है नंबर 1 बैट्समैन और हमारी जो टीम है नंबर 1 टीम, तो उसके मुकाबले में 158 रन पे आउट हो जाएंगे हमारे सारे? क्या 58 रन पे आउट हो जाएंगे क्या? बस चलो, अब बस चिल्ला काट रहा हूँ, बाबर भी पहली बॉल पे जाने वाला है। नहीं नहीं नहीं, बाबर ऐसा भी आउट होगा, फिर रिजवान आउट होगा, फिर सबकी लाइनें लग जाएंगी आउट होते होते। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि अब मतलब पाकिस्तान हारेगा बांग्लादेश से? पाकिस्तान हारेगा ही हारेगा। अब तुम देखना, हमने 198 का टारगेट दिया है ना, अब आप लोग 100 भी नहीं कर पाओगे, 100 से पहले सबको लड़का देंगे। अच्छा, तुम पढ़ाई कर लो और हमारा अल्लाह हमारे साथ है। मगर मैं एक बात बता दूं आपसे, कि आपने ये जो लिस्ट बनाई है ना, तो अब मेरी भी लिस्ट देख लें, ये देखें मेरी लिस्ट। तो सुनो अब भाईजान, हमारे पास एक तोप है फ़खर जमान, जिसने स्ट्रक को छक्के नहीं मारे थे, जो पूरे टूर्नामेंट में T20 में छक्के नहीं लग रहे थे, तो हमारे फ़खर जमान साहब ने मारे थे। हमारे पास इमाम उलाक है, हमारे पास मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, फिर उसके बाद शादाब है, चाचा है, फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ है, फिर शाहीन शाह अफरीदी है, फिर नसीम शाह है, फिर उसके बाद हारिस रऊफ है, फिर और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए बताएं आप? इस इतनी बड़ी दीवार को 198 रन पे आउट कर पाएंगे? आराम से हो जाएगा यार, मैं अभी चिल्ला काट रहा हूँ,
बाबर की मूर्ति लेकर आओ यार, बाबर की मूर्ति मंगाई है। अच्छा, उसमें मैं सुइयां मारूंगा अभी। अच्छा, सुइयां मारेंगे आप लोग। देखो बाबर चार रन पे आउट ना हुआ फिर बोलना। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आप ये काम करके जीत सकते हैं और अदरवाइज और भी बहुत सी टीमें हैं जो ये काम करके जीतती हैं मगर वो कोई अपनी काबिलियत पे नहीं जीत पाती। तो मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है अपनी टीम पे? और एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपका शंटू, जो शंटू नाम का बंदा है ना, उसको तो ऐसा पड़काया है, वो तो बड़ी सेंचुरियां मारता है ना। हाँ, उस पर तुम्हारा, सुनो, उस पर तुम्हारा काला इलम नहीं चला? देखो उस पर करा ही नहीं था ना। क्यों, फिर किस पे करा था? हमने अपने बैट्समैनों पे करा था जो 50-50 मार के गए। अच्छा, हारिस राव उस टाइम बच्चे हो गए थे क्या? उस टाइम खेलना नहीं आता, बॉलिंग नहीं आती। खत्म। अच्छा एक बात बताता हूँ, आपने 50-50 का करा था या सेंचुरी सेंचुरी का करा था? वो सेंचुरी सेंचुरी का करा था, वो अलग है ना, 50 उसने कर दी, 50 उसने कर दी, सेंचुरी हो गई। अच्छा ये बता, कंट्रोल मेरे समझ में आया, आपने सेंचुरी सेंचुरी का कहा था। कसम से अगर आपने ये कहा होता आपकी किताब भी जला लेता, आपको उठा के नीचे भी फेंक देता अगर आपने ये कहा होता। क्योंकि यार देखें, हम तो सच्चे पाकिस्तानी हैं और सच्चे पाकिस्तानी अपना, देखो, हुब्बुल वतनी ही दिखाएंगे। हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं और मैं भी देखता हूँ कि आप जीतते हो नहीं जीतते। वैसे एक बात बता दूं, टाकड़ा भरा ज़बरदस्त चल रहा है। आपने 198 रन बना के भी, मैं ख़ुद कहता हूं कि बांग्लादेश मुकाबले वाली साइट है, 198 रन बना के। आप ख़ुद बताएं कि आप 198 रन बना के पाकिस्तान के टीम के सामने टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे? यार आराम से टिकेंगे, अभी ज़रा चिल्ला काट रहा हूं मैं, बड़ा मजबूत। और अगर मेरे मैं अगर आपका चिल्ला ही ख़त्म कर दूं? चिल्ला ऐसे कैसे, चिल्ला नहीं खत्म हो सकता, चिल्ला खाली हम खत्म कर सकते हैं। चिल्ला आप खत्म कर सकते हो? अबे जो मक्खी नहीं उड़ा सकता अपने जिस्म से, वो चिल्ला काट के क्या कद्दू कुछ करेगा? चिल्ला काटेंगे, 100 पे ना आउट हो फिर बोलना। चलो हम भी देखते हैं, 100 पे आउट होते नहीं होते। तो सो गाइस, अगर ये आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा। आप लोग तो जानते हैं ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, हम इसके ऊपर अपना तबसरा लेकर आए थे। ये मुख्तसर था तबसरा था और हमारे आमिर जुनेद बंगाली साहब ये अभी भी मंतर कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बाबर साहब को आउट कराने, फ़खर जमान को आउट कराने के चक्कर में। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।